الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام آل بیت عظام تابعین تبا تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے یہ نیا سال مبارک ہو. 2021 سن کا پہلا دن ہے
पहला महीना यकम जनवरी और इस साल का ये पहला जुमातुल मुबारक का खुतबा है। वैसे तो पिछले जुमा जो मौजू बयान हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह के क्या मानी हैं और उसके साथ फ़ायदे हैं, मैंने वो बयान करना था। मौके की मुनासबत से मैंने मौजू तब्दील किया ताकि एक नए साल का पहला दिन है, इसलिए इस हवाले से गुफ्तगू की जाए कि हमें इस आने वाले साल के लिए क्या दुआ करनी चाहिए। एक है इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर जो मुसलमानों का है, एक है ईसवी कैलेंडर जो ईसाइयों का है। हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है वो हिजरी कैलेंडर है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ईसाइयों ने तरतीब दिया वो ईसवी कैलेंडर है। लेकिन हमारे यहाँ जो कैलेंडर गालिब है वो ईसवी है। स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में, मसाजिद में, कारोबार में, दुकानों में, मंडियों में जिस कैलेंडर के हिसाब से मुआमलात होते हैं, कारोबार होता है, नेक काम होते हैं और ज़िंदगी के उमूर को तरतीब दी जाती है तो वो ईसवी कैलेंडर के मुताबिक है। बाज़ लोग ऐसे जज्बात में आकर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लामी कैलेंडर और है, ये हमारा नहीं है, लिहाजा हमारे सामने इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह के जज्बाती मुसलमान से पूछा जाए कि आज इस्लामी तारीख क्या है, उसको तारीख का भी पता नहीं होता, कौन सा इस्लामी महीना चल रहा है इस्लामी महीने का पता नहीं, तो फिर किस तरह का तेरा कैलेंडर है, तुझे महीने का पता नहीं है, डेट का पता नहीं है और मोहब्बत तेरी इतनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जज्बात से हटकर हकीकत के मुताबिक शरीयत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सच है कि गैर मुस्लिम नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर यानी नए साल की मुबारकबाद देते हैं, ये मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है, ना गैर इस्लामी साल के शुरू में ना इस्लामी साल के शुरू में। ये मुबारकबाद देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से साबित नहीं है। लेकिन ये कहीं मना नहीं है कि आप दुआ भी नहीं कर सकते कि या अल्लाह ये जो ईसवी साल शुरू हो रहा है इसको हमारे लिए बरकत वाला बना दे, ये कहीं मना नहीं है। कोई भी दिन है, कोई भी हफ्ता है, कोई भी महीना है, कोई भी साल है, इस्लामी साल का आगाज हो रहा है, गैर इस्लामी ईसवी सन का या कि जनवरी के महीने का या किसी फरवरी या किसी महीने का, इस्लामी महीने का यकम मुहर्रम का आगाज हो रहा है, आप किसी दिन के लिए, किसी हफ्ते के लिए, किसी साल के लिए अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह ये आने वाला हफ्ता मेरे लिए बरकत वाला बना दे, ये आने वाला महीना मेरे लिए बरकत वाला बना दे, ये आने वाला साल मेरे लिए बरकत वाला बना दे। तो इसलिए मैंने खुतबे का नाम और मौजू ये रखा है, अल्लाह करे ये आने वाला साल मुबारक हो। इसका मतलब ये है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आने वाले 12 महीनों में हमें बरकतों से नवाजे, हमारे रिस्क में बरकत हो, हमारी सेहत में बरकत हो, हमारे ईमान में बरकत हो, अल्लाह जो हमें नेमतें दे उन नेमतों में बरकत हो, हमारे काम में बरकत हो, हमारे वक्त में बरकत हो, हमारी सेहत में बरकत हो, अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतें हमारे लिए मुबारक बन जाए, ये मतलब है। अल्लाह करे ये आने वाला साल हमारे लिए मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हम सब मिलके ये दुआ करते हैं कि तमाम हमारी जिंदगी के आने वाले साल, बिलखुसूस ये आने वाला जो अब शुरू हो चुका है सन 2021, अल्लाह करे ये हमारे लिए मुबारक बन जाए। जिस तरह
कारोबारी आदमी, ताजर आदमी, दुकानदार आदमी एक प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद उसके एंड पर, एक कारोबार शुरू करने के बाद उसके आखिर पर, एक साल का प्रोग्राम लेके चलने वाला कारोबारी आदमी साल के आखिर पर हिसाब किताब करता है, पूरे साल में हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए था, क्या किया क्या नहीं करना चाहिए था। दूसरे लफ्जों में कि हमने इस साल में क्या खोया क्या पाया, इसमें नफा कितना हुआ घाटा कितना आया। एक समझदार प्रोग्राम करने वाला और किसी शोबे से भी वो मुंसलिक हो, अपने साल का बजट बनाने वाला और कारोबार चलाने वाला, मंसूबा शुरू करने वाला साल के एंड पर हिसाब करके फिर आगे कदम रखता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह एक मोमिन की भी यही सोच होती है, ये जो 12 महीने गुजरे हैं इसमें मैंने क्या खोया क्या पाया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था कोताही हो गई, क्या नहीं करना चाहिए था गलती हो गई। हर मोमिन को इस बात की फिक्र होती है। और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात की तरगीब दी है, फरमाया हासिबु अनफुसकुम कबल अन तुहासबु, अपना हिसाब उस वक्त से पहले पहले खुद कर लो कि तुम्हारा हिसाब हो। मौत के बाद हिसाब शुरू है, इसलिए मरने से पहले पहले अपना हिसाब शुरू कर लो। और वही बंदा कामयाब है जो अपना हिसाब करता रहता है, मैंने क्या खोया मैंने क्या पाया, मैंने क्या किया मैंने क्या कमाया, मेरी नेकियों में इजाफा हो रहा है या मेरी बुराइयों में इजाफा हो रहा है, मेरी नेकी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, वो फास्ट है या स्लो है, उसको हर वक्त फिक्र होती है। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में जिक्र फरमाया जो कामयाब तरीन लोग हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कद अफलग मन तज़क्का वज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया मन तज़क्का जिसने अपना मुहासबा कर लिया, अपना हिसाब किताब कर लिया, अपनी कमी कुताइयों को दूर करने का इरादा कर लिया। मन तज़क्का जिसने अपने आप को हर किस्म की कोताही से पाक कर लिया, हर किस्म के ऐब से पाक कर लिया, हर किस्म की नामुनासिब चीज से, बार से, खसरत से, आदत से, किरदार से, गुफ्तगू से, अल्फाज से पाक कर लिया, जिसने अपना तज़किया कर लिया वो कामयाब हो गया। दूसरे मकाम पे फरमाया कद अफलग मन ज़क्का वकद ख्वाब मन दस्सा, जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, अपना मुहासबा कर लिया, अपने अंदर जो भी नामुनासिब चीजें थी, आमाल थे, अकवाल थे, अफ़ाल थे, उनसे अपने आप को बचा लिया, दिल साफ कर लिया, दिमाग सुथरा कर लिया, नेकी के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, गुनाहों से बाज रहने का अहद कर लिया, कद अफलगा वो कामयाब हो गया। वकद ख्वाब मन दस्सागा जिसने मुहासबे के लिए, तज़किये के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई सोच नहीं बनाई, कोई जहन नहीं बनाया, कद ख्वाब वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो खसारे में चला गया। इसलिए कामयाबी के लिए हमें पिछले 12 महीनों को ऐसे रिवर्स करना है और देखना है इन 12 महीनों में हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, हकूक व फ़राइज में कहां कहां कोताही हुई, और हमें अब क्या करना चाहिए, नए साल का हमें क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए। और हर समझदार दुकानदार, ताजर और प्रोग्रामर
यही सोचता है कि पिछले साल जो कमी कोताही और घाटे वाला काम मैंने किया, आइंदा वो काम नहीं करूंगा। जब हम इस सोच के साथ नए साल का आगाज करेंगे कि ये साल हमारे लिए बरकत वाला बन जाए और हम अपना तज़किया करेंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, झूठ से बचने की कोशिश करेंगे, गीबत से बचने की कोशिश करेंगे, इल्ज़ाम तराशी से बचने की कोशिश करेंगे, ज़बान की हिफाजत का ख्याल करेंगे और नमाजों की पाबंदी का इरादा करेंगे, ज़कात में कोताही जो हो गई उसको दूर करेंगे, अगर फर्जी रोजे कम रखे थे, थोड़े रखे थे, कजा देने के बाद पूरे रखने का इरादा करेंगे, अपनी कमियों को ताइयों पर निगाह रखने के बाद इसलाह का अहद करेंगे, तो यह साल हमारे लिए मुबारक ही मुबारक बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस नए साल के लिए खूब तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जो साथी बाहर बैठे हैं उनसे गुजारिश है मस्जिद के अंदर आ जाएं। मैंने पहले भी बताया था कि जो पहली सफ़ों में बैठे होते हैं उनको दरूद मिलता है फरिश्तों का, और जो बाहर बैठे होते हैं उनको क्या मिलता है? धूप मिलती है। दरूद वाले अंदर आ जाएं, धूप वाले बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को यही तालीम दी कि अपने हिसाब से पहले पहले खुद हिसाब कर लो। जब बंदा अपना हिसाब करने लगता है फिर उसके ऊपर कमियां कोताहियां जाहिर होती हैं, फिर नतीजा अच्छा निकलता है, तैयारी अच्छी निकलती है, तैयारी अच्छी करने का मौका मिलता है। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन लोगों के बारे में जो कामयाब जिंदगी गुजारती हैं, जिनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है, जिनके लिए जहन्नम से बचना आसान हो जाता है। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो बंदा अपने रब के सामने अल्लाह की अदालत में जो पेशी है उससे डर गया, वनअ नफ्स अनिल हवा, अपने दिल को अपने मन को अपनी मर्जी के ताबे करने की बजाय अल्लाह की शरीयत के ताबे कर दिया, फइन्नल जन्नत अल मावा, अल्लाह ने इसका महल और कोठी जन्नत में बना दी है। फअम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया, जो सरकश बन गया, जिसको अल्लाह की याद ना रही, जिसको कुरान पढ़ना नसीब ना हुआ, जिसको नमाज की फिक्र नहीं थी, जिसने वालदैन के हकूक अदा नहीं किए, जिसने हकूक ले बाद में कोताही वाली जिंदगी गुजारी, जिसने जबान से हाथ से दूसरों को नुकसान पहुंचाया, उसने मन मर्जी वाली जिंदगी गुजारी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ख्याल के मुताबिक, सोच के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी और उसने दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझ लिया। फरमाया फइन्नल जहीमा अल मावा, इसका ठिकाना रब ने जहन्नम की आग में बना दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये आने वाला साल, इसके लिए हमें अहद करना चाहिए इन आने वाले 12 महीनों में, वैसे तो सारी जिंदगी में, बिलखुसूस इस जो साल शुरू हो चुका है, आने वाले 12 महीनों में हम दुनिया की जिंदगी को ज्यादा बेहतर करने की बजाय आखिरत पे ज्यादा तवज्जो देंगे। अपने मन मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने जिंदगी वैसे गुजारनी है जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, फिर ये साल हमारे लिए मुबारक ही मुबारक है। अल्लाह ताला हमें इस तरह अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस मौके पर क्या करना चाहिए, क्या प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए कि जिंदगी का एक और साल बीत गया है और बाज नादान एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, नया साल मुबारक हो जी, नया साल, नए साल की मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, और बाज जालिम तो इस हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर खुराफात करते हैं, नाफरमानी करते हैं, और सारा साल इतने गुनाह नहीं किए होते जितना इस नए साल की पहली रात में गुनाह करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए।
इसलिए किसी ने कहा एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। मोमिन तो सोचता है अरे अफसोस मेरी जिंदगी का एक साल कम हो गया, जिंदगी का एक साल कम होना ये खुशी की बात है या अफसोस की बात है, ये फायदे का सौदा हुआ है या घाटे का सौदा हुआ है। एक स्टूडेंट को तालिब इल्म को 12 महीने दिए गए थे तैयारी के लिए, एक महीना गुजर गया उसको खुशी मनानी चाहिए, नहीं नहीं उसको तो ज्यादा फिक्र करना चाहिए, वक्त बहुत कम रह गया है, अगर मैंने इस महीने में तैयारी नहीं की तो वो पिछली कसर निकाल के इस दूसरे महीने में खूब तैयारी करनी चाहिए। खुशी का मौका नहीं है, क्योंकि हमारी हर आने वाला साल यह ऐलान करता है आए गाफिल इंसान तेरी जिंदगी का एक साल और कम हो गया है, तू अपनी आखिरत की फिक्र कितनी कर चुका है, आखिरत के लिए क्या सफर कर क्या जखीरा कर चुका है। क्योंकि हर बंदा इस चीज को जानता है, हर बंदे ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में सफर किए होंगे, लेकिन एक सफर ऐसा है हर बंदे ने करना है, वो ड्यू है, वो कर्ज है, वो लाजमी है, और हर बंदे को वो करना पड़ेगा। उस सफर का नाम सफर आखरत है, उस सफर पर दुनिया का माल काम नहीं आता, दुनिया की जायदादें काम नहीं आती, बैंक बैलेंस काम नहीं आते, औलादें काम नहीं आती, दोस्त अहबाब काम नहीं आते, रिश्तेदार काम नहीं आते, रुपया पैसा माल दौलत दिरहम दिनार डॉलर यूरो यान और दूसरी करंसियां काम नहीं आती, वहां सिर्फ वो चीज काम आती है जो बंदा नेक अमाल करके गया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने कहा रब्बाय नबी के सहाबी रसूल के साथ है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, क्या वजह है आप क्यों रो रहे हैं, क्या दुनिया से जाने के गम में रोना आ रहा है। कहने लगे अरे नादान तुमने समझा ही नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं मैं जिस सफर पे जा रहा हूं सफर बहुत तवील है लंबा है, मेरे पास खर्चा ने माल का बहुत थोड़ा गए, रो रहा हूं कि पता नहीं है सफर में कैसे गुजारा होगा। आज मेरे भाइयों हमने सोचा, ये तो हम सोचते हैं बच्चे ज्यादा हैं इनकम कम है कैसे गुजारा होगा, मकान छोटा है फैमिली बड़ी है कैसे गुजारा होगा, दुकान छोटी है आमदन कम है गाग थोड़े जाते हैं कैसे गुजारा होगा, मेरे पास कोई प्लाट ज्यादा नहीं है मेरे मरने के बाद बच्चों का गुजारा कैसे होगा। असहाबे रसूल थे, इबादुर रहमान थे, अल्लाह वाले थे, वो सारे काम अल्लाह के सुपुर्द करते थे, वो ये सोचते थे सफर आखिरत पर जो हमने रवाना होना है अमल थोड़े हैं, नमाजें थोड़ी हैं, रोजे थोड़े हैं, कुरान की तिलावतें कम हैं, तहज्जुदें थोड़ी हैं, नेक अमल कम है, कैसे गुजारा होगा कैसे गुजारा होगा, सफर बड़ा तवील है ज्यादा सफर बहुत कलील। अल्लाह हमें भी इस तरह का कयामत के हवाले से, मौत के हवाले से, सफर आखिरत के हवाले से तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मोटी सी बात है कि सफर पर रवाना होने वाले मुसाफिर के पास सामान थोड़ा हो आसानी से सफर हो जाता है, सामान ज्यादा हो तो सफर मुश्किल बन जाता है। इसलिए हदीस पाक में आता है कयामत वाले दिन जो गरीब मोमिन होंगे ना गरीब मुसलमान वो अमीर लोगों के निस्बत 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि उनके पास सामान ही थोड़ा होगा। अल्लाह ताला पूछेगा हिसाब, वो कहेंगे किस चीज का, अल्लाह ताला मुस्कुरा के फरमाएगा जाओ। और जिसके पास दुनिया में देखिए आप सफर करते हैं, आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अल्लाह आपको भी ले जाए मुझे भी ले जाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करें तौफीक अता फरमाए नसीब फरमाए, हज उमरे की सआदत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, कहते हैं आमीन। तो जाते हुए अगर एक बैग हो तो आसानी होगी, अगर बैग पांच हो और साथ पांच सात गठड़ियां भी हों और एक ट्रक सामान का भी हो और अपना सामान अलहदा हो, रिश्तेदारों का भी सामान साथ ले जाएं, दोस्त अहबाब का सामान भी साथ ले जाएं, तो
तो बताएं सफर में दुश्वारी होगी या नहीं होगी, बोले होगी ना। तो एक मुसलमान उसने सफर आखत करना है, उसके अपने गुनाह भी हैं, रिश्तेदारों की गीबतें भी उसके पास हैं, इल्ज़ाम तराशियां भी हैं, लोगों का माल भी उसने खाया हुआ है, लोगों का दिल भी दुखाया हुआ है, किसी के पैसे देने हैं, किसी की इज्जत पे हमला किया हुआ है, किसी से वादा खिलाफी की हुई है, किसी का किसी अंदाज में नुकसान किया हुआ है। अब ये सारा सामान लेके जाने वाला आखिरत का सफर कैसे आसानी से करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें सफर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र इस अंदाज में भी करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये नया साल जो ईसवी साल है, यकम जनवरी से शुरू होता है, हमारी जिंदगी में हमें नसीब किया है। यह भी अल्लाह की अजीम नेमत है। वरना कितने मुसलमान ऐसे होंगे जो सन 2020 में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, सन 2021 उनको नसीब ही नहीं हुआ। ये अल्लाह की अजीम नेमत है कि अल्लाह ने हमें और मौका दे दिया है। लेकिन रब्बुल आलमीन जिस बंदे को इतना मौका देता है, एक साल गुजर जाए, दो साल गुजर जाए, यहां तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह ने जिंदगी के 60 साल अता फरमा दिए, अब क़यामत के दिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, कोई हुज्जत नहीं होगी, कोई बहाना नहीं होगा कि मुझे सुधरने के लिए टाइम नहीं दिया गया, मुझे तैयारी के लिए वक़्त नहीं मिला। हमें से हर बंदे को देखना चाहिए, अक्सर तो 60 के करीब ही हैं, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। वरना क़यामत के दिन कोई जवाब नहीं होगा कि हमने तैयारी क्यों नहीं की, हमने फिक्र क्यों नहीं की। दुनिया के नए नगमे सीखे, उकबा का तराना भूल गए, जिस दौर पे दुनिया नाजां थी, अब हम वो जमाना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज हर बंदा अक्सरियत का ये हाल है, अमल से, किरदार से, सीरत से, मुआमलात से, मसरूफियात से ऐसे लगता है मैंने नहीं मरना, बाकियों ने मरना है। जबकि मौत का फरिश्ता जब किसी की जान लेता है, वो जिंदों के लिए एक पैगाम छोड़ के जाता है, मैं तेरे पास भी आ सकता था, मुझे हुक्म नहीं था, मैं उसके पास गया हूं, तू भी तैयारी कर, अन करीब मैं तेरे पास भी आने वाला। लेकिन कितने जनाजे पढ़ते हैं, कितने मुर्दों को दफन करते हैं, अपने हाथों से अपने प्यारों को रवाना करते हैं, लेकिन गफलत की इंतहा है, फिर भी आखिरत हमें भूल जाती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, दुआ करो अल्लाह हमारी आने वाली जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए बेहतर बना दे, हमारे लिए मुबारक बना दे। और ये तब मुबारक बनेगा कि हम आने वाले हर लम्हे की कीमत को समझे। हमारी जिंदगी में हर आने वाला लम्हा, लहजा, सेकेंड बहुत कीमती है, हम इस तरफ गौर नहीं करते। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेमतानि मगबूनुल फीहिमा कसीरुम मिनन्नास, दो नेमतें ऐसी हैं लोगों की अक्सरियत उनके हवाले से घाटे में जा रही है, अस्सेहत वल फराग, एक तंदुरुस्ती वाली नेमत है, दूसरी फुर्सत वाली नेमत। तंदुरुस्ती में रब याद नहीं आता, रब का जिक्र याद नहीं आता, कुरान की तिलावतें याद नहीं आती, नमाज की पाबंदी को दिल नहीं करता, जब बीमार होता है फिर अल्लाहु अल्लाहु बहुत करता है, फिर दरूद भी पढ़े जा रहे हैं, इस्तगफार भी हो रहे हैं, कुरान की तिलावतें भी हो रही हैं, फिर बैठ के नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, फिर बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है, तंदुरुस्ती से फायदा नहीं उठाता। तंदुरुस्ती भी अल्लाह की अजीम नेमत है और फुर्सत भी अल्लाह की अजीम नेमत है। जब फुर्सत हो कहते यार बड़ा टाइम है, बहुत छुट्टियां मिल गई हैं, एक साथ समझ नहीं आती टाइम कैसे पास करो,
कभी वो फिर सोशल मीडिया के जो प्रोग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है और भी बहुत सारी चीज़ें, उनमें अपने टाइम बर्बाद करते हैं, कभी दोस्तों के पास, कभी होटलों पे, कभी इधर उधर, और बड़ा टाइम है, चलो हम एक महीने के लिए नारायण का कान चले जाते हैं। मोमिन की ये सोच नहीं है। सहाबा के पास जब फुर्सत वाला टाइम होता था, वो ये नहीं कहते थे चलो कोहे तूर देख कर आते हैं, मस्जिद अक्सा देख के आते हैं, चलो हम फलस्तीन चले जाते हैं, चलो हम किसी और मुल्क चले जाते हैं। उनकी सोच और फिक्र ये होती थी, अल्लाह ने फुर्सत दी है, इसमें हम जन्नत के लिए कमाई करते हैं। इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद के अंदर ये वाकया मौजूद है, दो सहाबा की ड्यूटी लगाए जंग के मौके पर, ये पहाड़ की चोटी है, इधर से दुश्मन के हमले का खतरा है, तुम इस पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हो जाओ ताकि दुश्मन को पता चले कि हमारी मुखालिफ पार्टी जो है मुसलमान वो जाग रही है, उसको हमला करने की जरूरत ना हो। एक अंसारी सहाबी है, एक मुहाजिर साहब ही है, दोनों की ड्यूटी लगा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब रात का टाइम है, दोनों जाग रहे हैं, देखें वो वक्त कैसे निकालते थे अल्लाह की इबादत के लिए, उनको अपने टाइम की कितनी कदर कीमत थी, कितनी कदर किया करते थे अपने वक्त की। दोनों साहब ही हैं, सोचते हैं भाई ये काम एक बंदे से भी हो सकता है, फिर दो बंदे क्यों जागते रहे, ऐसे करते हैं। आधी रात एक जागे, आधी रात दूसरा जागे, मकसद तो दुश्मन को बताना है हम जाग रहे हैं। अल्लाह अकबर, डिसाइड कर लिया आधी रात एक पहरा देगा, आधी रात दूसरा पहरा देगा। अब एक साहबी सोए हुए और दूसरे साहब ही रात को पहरा दे रही है कि आधी रात मैंने पहरा देना है, फिर पहरा देते हुए, हालांकि ये जिहाद के लिए पहरा देना इतना अजीम शान अमल है, एक बंदे की सारी जिंदगी की बातें एक तरफ हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है चाहे मुआफ करे या ना करे, लेकिन जिसने अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए एक रात मुजाहिद बनकर पहरा दिया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देती हैं, जन्नत वाजिब कर देते। इतनी बड़ी नेकी कर रहा है, इसके बाद भी वो समझता है कि ये नेकी भी है लेकिन और नेकियां करनी चाहिए, वक्त से फायदा उठाना चाहिए। अब वो साहबी सोचते हैं कि किबला भी इसी तरफ है जिस तरफ दुश्मन से खतरा है, लिहाजा मैंने खड़े होकर दुश्मन को ये बताना है हम जाग रहे हैं, क्यों ना पहरा भी देता रहूं और नमाज भी पढ़ता रहूं, कुरान भी पढ़ता रहूं। अल्लाह अकबर, साहब ये रसूल पहरा भी दे रहा है, जाग रहा है, नमाज की हालत है और कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सूरह फातिहा की तिलावत उसने शुरू कर दी है, फिर सूरह काफ की तिलावत उसने शुरू की है, उधर दुश्मन भी ताक में था, उसने देखा कि बंदा बैठता नहीं, बस एक ही हालत में खड़ा हुआ नजर आता है, वो भी ताक में था, उसने कहा चेक तो करें मसला क्या है, दुश्मन ने एक तीर मारा सहाबी हिले नहीं, दूसरा तीर मारा, फिर मुसलसल तीरों के साथ हमला किया, सहाबी के जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया, खून चलता रहा चलता रहा, वो खून जाकर लगा उस सहाबी के जिस्म को जो सो रहा था, बेदार हुआ, देखा कि नमाज में मसरूफ है मेरा भाई मेरा साथी, जिस्म उसका चलनी हो चुका है, और वो जाग गया। इंतजार की जब उसने सलाम फेरा, कहा भाई क्या वजह है, कहा मैंने सोचा के पहरा भी देता रहूं और वक्त है नमाज भी पढ़ लूं, कुरान की तिलावत कर लूं। कहा भाई जब पहला तीर लगा था नमाज छोड़कर मुझे जगा क्यों नहीं दिया, मुझे जगा देते आप नमाज पढ़ते रहते मैं पहरा देता। कहने लगे दरअसल बात यह है मैंने ऐसी सूरत शुरू कर रखी थी, मेरा दिल नहीं करता था उसको दरमियान में छोड़कर सलाम फिर। ये वो लोग हैं जिनको अपने वक्त की कदर थी, जिनको पता था हर आने वाला लम्हा बड़ा कीमती है, और इसलिए वो एक दिन में कई कई नेक अमाल करते थे, एक नेकी कर ली दूसरी कर ली तीसरी कर ली। हमारे यहां तो ये होते रोजा रख लिया तो फिर जी रोजा तो रखा हुआ अब नमाज भी पढ़े अब कुरान भी पढ़े
اب دوسری ضروریات بھی پوری کریں, کام پر بھی جائیں, جی ایک کام ہو سکتا ہے. اور جن کو پتا ہے ہر آنے والا لمحہ قیمتی ہے, قیمتی اس لیے ہے جو چیز ایک بار ملتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے, جو چیز ایک بار ملتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. ہماری زندگی کا ہر آنے والا لمحہ ایک بار ملتا ہے, گزر جاتا ہے, پھر نہیں ملتا, اس لیے اس کو قیمتی سمجھیے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ نے فرمایا من اطام منکم الیوم مسکینا, اے میرے ساتھیو بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں. من تبی منکم الجم یوم جنازتن, تم میں سے کون ہے جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھ کر آیا ہو. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے توفیق دی ہے ایک مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں. من اصاب منکم المن اصبا منکم اليوم صائما, کون ہے جس نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ اللہ نے توفیق دی ہے نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہوں. فرمایا من آدھا منکم اليوم مریضا, کون ہے جس نے آج کے دن کسی مریض کی عیادت کی ہو. پھر بھی ابو بکر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اللہ نے توفیق دی ہے ایک بیمار سے بھی پوچھ کر آیا ہوں, ایک دن میں نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے, جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, مریض کی بیمار پرسی بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا ہر آنے والا لمحہ بڑا قیمتی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر جو تمغہ ملا, جو انعام ملا, جو سرٹیفکیٹ ملا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشی کے عالم میں, فرمایا ابو بکر خوش ہو جا, جس بندے میں یہ خوبیاں پائی جائیں وہ پکا جنتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مبارک بنائے, بالخصوص یہ سن 2021 جو عیسوی سن ہے اس کے 12 مہینے. اللہ ہمارے لیے اس کے ایک ایک لمحے کو مبارک بنائے, برکت والا بنائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ بالله.